फयाज खान। उत्तर भारतीय संगीत के विकास में घरानों का योगदान बड़ा सराहनीय रहा है। जब कभी आगरा घराने की चर्चा उठती है तो स्वर्गीय उस्ताद फयाज खान का स्मरण बरबस हो आता है। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो सम्मान फयाज खान को मिला उतना किसी मुसलमान गायक को नहीं मिला। काली शेरवानी और सफेद साफा पहनकर अपने शिष्यों के साथ रंगमंच पर बड़ी अदा के साथ जब आप पधारते तो ऐसा मालूम पड़ता कि कोई पहलवान गायक आ गया है। हष्टपुष्ट शरीर, बड़ी बड़ी मूछें, दोहरा बदन और लगभग 6 फुट की ऊंचाई से वे दूर से ही पहचाने जा सकते थे। स्वर्गीय उस्ताद फयाज खां का जन्म सन 1886 में आगरा में हुआ था। आपके जन्म से 3 से 4 महीना पहले ही आपके पिता की मृत्यु हो गई थी। फयाज खां के पिता का नाम सफदर हुसैन था। आपके नाना ने आपका पालन पोषण किया, उन्होंने ही आपको संगीत की शिक्षा दी। फयाज खां किशोरावस्था से ही अच्छा गाने लगे थे। प्रत्येक स्थान पर आपका प्रभाव अच्छा पड़ता। तत्कालीन मैसूर नरेश आपके गायन से बड़े प्रभावित हुए। आपको सन 1906 में एक स्वर्ण पदक और सन 1911 में आफताबे मौसिकी की उपाधि से सुशोभित किया गया। बड़ौदा महाराज सयाजी राव आपसे बड़े प्रभावित हुए और आपको अपने दरबार में नियुक्त कर लिया। फयाज खां में पितृवंश से रंगीले और मातृवंश से आगरा घराने का योग था। उन्होंने दोनों प्रकार की गायकी का सुंदर समन्वय अपने गायन में किया। खां साहब का कंठ नीचा किंतु भरा, जवारीदार और बुलंद था। काफी नीचे स्वर से गाते थे और गाते समय अपने मूड का बहुत ध्यान रखते थे। बहुत सज धज कर बैठते और हीना का इत्र लगाकर पान की डिब्बी के साथ बैठते। खां साहब ख्याल, ध्रुपद, धमार, ठुमरी, टप्पा, गजल, कव्वाली आदि सभी के गायन में बड़े कुशल थे। ख्याल, ध्रुपद और धमार में तो अद्वितीय थे, किंतु मोटी आवाज से ठुमरी के प्रत्येक अंग को इस सुंदरता से प्रस्तुत करते थे कि बड़ा आश्चर्य होता था। उनकी गाई हुई ठुमरी का रिकॉर्ड बाजूबंद खुल खुल जाए बड़ा प्रसिद्ध है। ख्याल में भी ध्रुपद के समान ही नोम तोम का आलाप करते, बीच बीच में तू ही अनंत हरि भी कभी कभी बोलते। विस्तृत आलाप करने के बाद गीत की बंदिश शुरू करते। उनके स्वर लगाने की रीति आगरा घराने का प्रतिनिधित्व करती है और सुनते ही उस घराने की याद आ जाती है। उनका यह अंग उनके शिष्यों में थोड़ा बहुत मिलता है। फयाज खां की गायकी में बड़ी रंगत थी। वे बोल बनाओ और बोल तान में, जो आगरा घराने की विशेषता है, बड़े निपुण थे। ऐसे ऐसे स्थान से बोल बनाते हुए सम से मिलते कि सुनने वालों को दांतों तली उंगली दबानी पड़ती। बीच बीच में कव्वाली के समान बोल बनाते समय हाँ हाँ भी करते, जिससे और रंगत बढ़ जाती। स्वर, लय और ताल पर उन्हें पूर्ण अधिकार था। कहीं से भी गला घुमा देते और बंदिश से मिल जाते, लेकिन सही स्थान पर पहुंचते। जबड़े की तानों का बहुत प्रयोग करते, किंतु उनकी ताने स्पष्ट, सुंदर और तैयार थीं। उनका राग ज्ञान बहुत अच्छा था। वे प्रत्येक राग अलग अलग ढंग से गा सकते थे। फयाज खां एक अच्छे रचनाकार भी थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में अपना नाम प्रेम प्रिया रखा। उन्होंने बहुत सी अच्छी बंदिशों की रचना भी की। जय जयवंती में मोरे मंदिर अब लौ नहीं आए तथा राग जोग में आज मोरे घर आए आदि गीतों की रिकॉर्डिंग भी हो चुकी है और ये गीत बहुत लोकप्रिय हैं। ललित राग में निबद्ध तड़पत हूँ जैसे जल बिन मीन तथा नट बिहाग में झन झन पायल बाजे रिकॉर्ड्स भी बड़ी उच्च कोटि की है। बड़ौदा दरबार में रहते हुए भी वे महाराजा की आज्ञा से संगीत सम्मेलनों तथा आकाशवाणी कार्यक्रम में भाग लेने जाते। जय जयवंती, ललित, दरबारी, सघुराई, तोड़ी, रामकली, पूरिया, पूर्वी आदि उनके प्रिय राग थे। उनके प्रमुख शिष्यों में स्वर्गीय पंडित एसएन रातन जनकर, दिलीप चंद्र बेदी, विलायत हुसैन, लताफत हुसैन, शराफत हुसैन, अजमत हुसैन, अता हुसैन आदि थे। खां साहब का देहावसान 5 नवंबर सन 1950 को बड़ौदा में हुआ।